इलेक्शन के हवाले से जो कौम के लिए पैगाम है खान साहब की तरफ से, मैं वो देना चाहता हूँ। खान साहब ने कहा है कि ये निशानात से आप ना घबराएं वर्कर्स को, और उनके लिए भी मैसेज है जो आप घबराएंगे। उन्होंने कहा है कि निशान जो भी हो, वोट है कैदी नंबर 804 का, वोट है इमरान खान का, और कौम 8 तारीख को फैसला देगी इस जुल्मो बरबरीत और मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है इसके खिलाफ और हकीकी आज़ादी के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जाकर ये बताएं कि ये क्या चाहते हैं कि कौम कोई भेड़ और बकरियां, कि आप जब चाहेंगे आप कहेंगे कि अब इसको वोट दें दे, आप इसकी हुकूमत बना देंगे, तो इस दफ़ा वो सारी चीज़ें चेंज होंगी और अवाम फैसला करेगी 8 तारीख को कि इस मुल्क का हकीकी लीडर कौन है जो इस मुल्क को आगे ले जा सकता है, जो इस मुल्क की बका के लिए लाना ज़रूरी है। ये जितने मर्जी है लोगों के साथ जुल्म जबर कर लें। आज खान साहब ने मुझे कहा कि आपने जाकर कहनी है, वो ये है कि खान साहब ने कहा कि इस केस के अंदर जो गवाह और केस बनाने वाले लोग आएंगे उनको उनकी उनसे सबसे पहले हम हलफ लेंगे कि वो हलफ के ऊपर ये बताएंगे कि क्या किसी शख्स को अगवा नहीं किया गया। मैं खावर मानिका की बात कर रहा हूँ कि अगवा करके उसके ऊपर केस बनाकर क्या उससे ज़बरदस्ती ये बयान नहीं लिया जा रहा, तो गवाही देने से पहले उससे हलफ लिया जाएगा। इसी तरह दूसरे गवाह ओन चौधरी वगैरह, तो उनसे हलफ लेंगे हम और वो हलफ के ऊपर बताएंगे कि ये गवाही जो है ये अपनी वो सच्ची दे रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं है और वो इसको सच्चा समझते हैं तो इसलिए ये गवाही दे रहे हैं। नंबर टू बात, इस केस के अंदर आज बीबी साहबा उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो समाअत के दरमियान से वो बाहर आईं, और कानून ये कहता है कि जब आप जॉइंट चार्ज फ्रेम कर रहे होंगे तो फिर दूसरे उस एक्यूज़ का होना भी ज़रूरी है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में एक सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की है। तो इस तरह से ये केस चलाया जा रहा है। अदालत को बार बार हमने कहा कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से चैलेंज किया हुआ है, तो कल उसके अंदर समाअत है, आप कल के लिए एडजर्न कर रहे हैं और बीबी साहब अभी नहीं है, लेकिन नहीं रोके। और तीसरी बात, जो अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना और ये केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर खान साहब ने बड़ा वाजिया कहा है कि आपने जाकर बताना है कि हसन नवाज़ जिसने बेनिफिट लिया, जिसके हवाले से ये केस शुरू हुआ, वो इस केस के अंदर कहाँ है। और मैं इस केस के अंदर जो मेरे ऊपर बनाया गया, मैं ट्रस्टी हूँ, मैंने कोई फाइनेंशियली फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया। ये यूं ही है जैसे शौकत खानम अस्पताल हो या नमन यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर मैं ट्रस्टी हूँ तो मेरा क्या उसके अंदर बेनिफिट है। फिर ये कह दें कि वो जायदाद भी मेरे नाम पे है। फिर उन्होंने कहा कि जो घड़ियों के हवाले से या गिफ्ट के हवाले से बात की जा रही है, हमने तो 4 गुना ज़्यादा कीमत अदा करके एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया और लिया और हम एडमिट करते हैं, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो ली नहीं जा सकती तोशाखाना से, तो जरदारी मरियम नवाज और बाकी ये सारे शरीफ, इनसे क्या हिसाब मांगा गया है, उनके केसेस किधर हैं। और तीसरी बात जो खान साहब ने कही डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, आज भी हमारी टीम वहाँ पर गई, खोसा साहब और साथ दीगर वकला जिन्होंने जाकर खान साहब के केस को लगवाने की बात की कि खान साहब को एक गैर कानूनी हुक्म के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था, और हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस्तदा किया है कि उस केस को लगा लिया जाए, फैसला दे दिया जाए। हमने ये इस्तदा नहीं की कि हमें क्लीन चिट दें, हम कहते हैं कि जो कानूनी तौर पर प्रोसेस है वो फॉलो किया जाए। केस लगाने की हद तक हमारी गुजारिश है कि केस लगाएं ताकि जो भी फैसला होना है वो हो जाए। फिर भी आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अजीब तरीके से खोसा साहब के साथ रवैया किया, और उन्होंने कहा कि आप एक तरफ अदम एतमाद करते हैं और एक तरफ केस लगाने की बात करते हैं।
हम ये कहते हैं कि आप अपने पास बेशक ना लगाएं, हमारा केस लगाना हमारा हक है। और खान साहब ने कहा कि उसको देखें कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट देकर डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म करके उतार दिया गया और मेरा केस ही नहीं लगाया जा रहा। आमर फारूक साहब 11 महीने तक दरख्वास्त अपने पास रखते हैं, उसके ऊपर फैसला ही नहीं देते। हम ये कहते हैं कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, 11 महीने के बाद फैसला होता है कि आप वापस नहीं ले सकते, 11 महीने दरख्वास्त लटकाई जाती है। अभी हम अडयाला जेल से निकले हैं और आज 3 केसेस लगे हुए थे, एक साइफर केस जिसमें आपको पता है कि जिस तरह से पहले कार्रवाई की गई बंद कमरे के अंदर और जिस तरह से नोटिफिकेशंस बार बार जेल के हवाले से किए गए, वो तमाम नोटिफिकेशंस को कलदम करार दिया गया और जितनी कार्रवाई थी उसको वापस अगस्त के महीने से स्टार्ट करने का कहा गया। दूसरी दफ़ा फिर उसी तरह से केस चला और दोबारा जो है सेम ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ और दोबारा उसी जगह से ट्रायल जो है स्टार्ट हुआ। अब फिर उसी तरह से किया जा रहा है और फिर अगर तीसरी दफ़ा यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा फैसला आता है तो क्या आप ये समझते हैं कि ये फेयर ट्रायल हो रहा है सिर्फ एक शख्स को सज़ा देने के लिए कि उसका कसूर ये है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो इस माफिया के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, उसने इस जुल्म व जबर के ऊपर आवाज़ उठाई, आपने उसकी हिम्मत तो तोड़ ना सके आप और आपने उसके ऊपर केसेस बनाकर अंदर डाल दिया और फिर इस तरह से केसेस चलाना शुरू कर दिए। दूसरे नंबर पर जो इद्दत के दौरान नकाह वाला केस है उसके ऊपर बड़ी अहम जो है बात मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू। और नईम साहब, अब नईम साहब बात करेंगे आपसे। सर ये मैं जाऊँगा, सर ये ले लें। नमस्कार लेते हैं जी, हम खुद ही कर रहे हैं। हाँ कर लगे, ये सर ले लो, ये एक किसी और का भी है, ये भी ले लें। ठीक है जी, बंदे जी स्टार्ट करें जी। भाई जान आपने जो कहना है थोड़ा सा उधर हो जाए, थोड़ा सा ये भी पकड़ो, तो जीएनए के ऊपर तो इसके ऊपर पकड़ो यार ये भी है। जी स्टार्ट करें जी। थोड़े से जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अडयाला जेल से निकले हैं और आज 3 केसेस लगे हुए थे, एक